हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें जो आपको पोस्ट मिलेगी यानी कि जो आपको उसमें पद मिलेंगे, कांस्टेबल, क्लर्क, आपको यहाँ पर अदर वैकेंसी भी दी गई है। और अगर आप 10वीं और 12वीं पास है यानी कि अगर आपने हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे। और जो आपको उसमें आवेदन करना होगा ऑनलाइन मोड से आपको उसमें आवेदन करना होगा। और जिसमें आपको वैकेंसी दी गई है यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। और सबसे बड़ी बात जो इस वैकेंसी की रहेगी, आपको ऑनलाइन मोड से इसमें आवेदन तो करना ही है, प्लस इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो भी बिल्कुल फ्री रहेगी। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आज मैं इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा, प्लस आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बताऊंगा, प्लस आपको ये बताऊंगा किस प्रकार से आपको इसमें अपना आवेदन फिल करना होगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। जैसे आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो इंडियन आर्मी की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ यानी कि इसकी ओर से भर्ती चलेगी। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अब देखें फ्रेंड्स, जो यहाँ पर टोटल पोस्ट मिलेगी तो यहाँ पर नोट मेंशन यानी कि जो आर्मी है कभी भी अपनी वैकेंसी ओपन नहीं करती है कि कितने पदों पर इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है। जो आपको यहाँ पर पोस्ट मिलेगी, टोटल यहाँ पर 4 प्रकार की पोस्ट दी गई है, सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो रहेगा ऑनलाइन मोड से आपको उसमें आवेदन करना होगा। और फ्रेंड, जो आज का क्वेश्चन होगा ये आपकी स्क्रीन पर, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको इसका राइट आंसर लगता हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में प्लीज इसका आंसर जरूर देकर जाना। अगर फ्रेंड्स हम इसके पे स्केल की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग में सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपये से लेकर 54,700 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल यानी कि इसमें आपकी सैलरी भी दी जाएगी। जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि पूरे भारत में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं। अगर फ्रेंड्स हम इसके एज लिमिट की बात करें, अगर आपके 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर के बीच में है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे। और जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी जाती है इस भर्ती में, वो छूट भी आपको नहीं दी जाएगी। यानी कि जो SC/ST को 5 ईयर की और OBC को 3 ईयर की छूट दी जाती है वो यहाँ पर इसमें नहीं दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपको एक मेरिट बनाई जाएगी। अगर आपका फाइनल मेरिट में नाम आता है तो आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर फ्रेंड्स हम इसके एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। यानी कि अगर आप जनरल, OBC, SC/ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें फ्री में आवेदन कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर देना। और देखें फ्रेंड्स, अगर हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10वीं और 12वीं पास है यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट या फिर हाई स्कूल पास किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा, क्योंकि सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर अलग अलग योग्यताएँ दी गई है। अगर फ्रेंड्स हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 9 अगस्त 2019 से स्टार्ट हो चुका है जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए। 22 सितंबर 2019 से पहले आपको अपना आवेदन कर लेना है। और जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो 23 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 2019 के बीच में आपके आवेदन भी पब्लिश कर दिए जाएंगे। और जो आपकी ओपन रैली की डेट होगी यहाँ पर 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2019 के बीच में आप ओपन रैली भर्ती चलेगी। अब देखें फ्रेंड्स, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना होगा सम इंपोर्टेंट लिंक्स। आने के बाद यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा जो पहला लिंक दिया गया है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड लिंक है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया गया है। अब देखें फ्रेंड्स, आपके सामने जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। अब देखें यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी दी है यानी कौन कौन सी पोस्ट इसमें आई हुई है। आपको यहाँ पर एज के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पर आपको डेट की जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके अनुसार भी यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो बताई गई है, यहाँ पर वेट, और यहाँ पर आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है 45% अंकों के साथ। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सभी पोस्टों के बारे में दिया गया है, एक बार आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। अब बात रही कौन कौन से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जो 13 डिस्ट्रिक्ट दी गई यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। और आपको 13 की 13 डिस्ट्रिक्ट हमारी वेबसाइट पर भी यहाँ पर आपको मैंने दी हुई है, एक बार आपको यहाँ पर आकर चेक
कर लेना, यहाँ पर मैंने इसमें बताया हुआ है, ये रही यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आपको चेक कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आपका भी कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।